Good morning, so it's raining. So now I'm going to recite Quran Pak for 15 minutes और उसके बाद में हम बैठ के यहाँ पे स्टडी करते हैं. कुरान पाक जो है ये मैं अपने रूम में बैठ के पढ़ती हूँ, यहाँ बैठ के नहीं पढ़ती हूँ. आई डोंट नो व्हाई. अच्छा, इस टाइम टाइम हुआ है 5:48. कुरान पाक लेकर मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और बहुत सारे लोग कहते हैं आप किस टाइम उठती हैं, तो मैं उठती हूँ 5:25 पर या फिर 5:20 पर. तो वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो है वो हाइड्रेट रहना है थ्रू आउट द डे. तो मैं क्या करने लगी हूँ, पानी लेने लगी हूँ. तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ, हम लोग स्टडी करते हैं और कोई फैंसी स्टफ नहीं किया है, नो स्किन केयर अभी क्योंकि आई माइट स्लीप अगेन. और हम लोग 8:30 या 9 o'clock इंशाल्लाह जब मैं उठूँगी दोबारा तो फिर मैं स्किन केयर रूटीन करूँगी. अभी बस मैं आती हूँ और डायरेक्ट 1 hour पढ़ लेती हूँ क्योंकि आई फील लाइक मॉर्निंग इज़ सुपर फ्रेश. और कभी कभी मैं सोती भी नहीं हूँ, कभी कभी सो जाती हूँ जब मुझे लगता है कि आई एम सो टायर्ड, और जब मुझे लगता है कि नहीं मैं मतलब आई कैन मैनेज, तो उसके बाद फिर मैं नहीं सोती हूँ. तो आज आई कैन मैनेज और यूजुअली संडे को मैं नहीं सोती हूँ क्योंकि मेरा होता है कि यार मैं पढ़ लूँ, उसके बाद तो पूरा डे फन डे आज मेरा टिपिकली टेक्निकली. सो या सो इट्स 6:11 पासवर्ड. ओके, हम लोग स्टडी करते हैं. More coronary arteries. This is called coronary artery disease or CAD. तो इट्स 7:10. आई एम फीलिंग सो स्लीपी, आई थिंक मुझे सो जाना चाहिए. सुबह सुबह रोड्स पर कोई भी नहीं होता है. आई कैन सी फ्यू पीपल एंड लुक एट द रोड्स. अभी बारिश हुई है और सर्दियाँ भी आ गई हैं. गाइस गुड मॉर्निंग अगेन. तो मैं 9 बजे उठ गई थी, इस टाइम में 10 बजे हैं. मैंने अपनी कैटोस के लिए खाना बनाया, बना हुआ था, उनको मैंने दिया खाना. और लिली साहिबा अब यहाँ पर इंजॉय कर रही हैं, आज भी इंजॉय कर रहा है. और अब मैं अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रही हूँ. मातू सी मामा हाँ, उसको सारी बातें समझ आती है, सारी बातें उसको समझ आती है, मामा बोलती है ये. चलें जी, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ अपने लिए. आज संडे है तो आज खाना हम बनाएंगे, बाकी तो मेरे हस्बैंड खाना बनाते हैं. आज जैन थोड़ा बिजी है. हाय हनी से हाय. ओके हाय. अभी सोकर उठे हैं जैन, बस नमाज पढ़ के जैन तो सो जाते हैं. उसके बाद जैन साहब उठते हैं 10 बजे, फिर हम लोग फिर जैन मेरे लिए बनाते हैं ब्रेकफास्ट, फिर हम करते हैं ब्रेकफास्ट. लेकिन आज संडे है तो आज पढ़ाई में थोड़ी सी छुट्टी है, नॉट लाइक कम्प्लीटली छुट्टी बट लाइक थोड़ा सा फ्लेक्सीबिलिटी है. तो टुडे आई एम गोना मेक ब्रेकफास्ट. कॉफ़ी मशीन को ऑन कर लेते हैं ताकि ये रेडी हो जाए तब तक. तो एग्स भी बन चुके हैं. आज हमारा बन रहा है थोड़ा ट्रेडिशनल टाइप ब्रेकफास्ट, पराठे बन रहे हैं, ये रेडीमेड पराठे हैं, इसको बस गर्म करना होता है. और यहाँ पर हम लोग काट रहे हैं अपना वाटरमेलन. साथ साथ हमारे पराठे भी बन रहे हैं और साथ साथ मैं वाटरमेलन जो है इसको भी कट कर रही हूँ. तो ये देखिए, दूसरा पराठा मैं ले आई हूँ फ्रिज से, और इसको मैं इसलिए साथ के साथ लेकर आ रही हूँ क्योंकि अगर ये यहाँ पर पड़ा रहे ना तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, और ये इसको जो है मैं अनरैप नहीं कर सकती हूँ. एक पराठा बन चुका है, वाटरमेलन कट रहे हैं, और ये पराठा दूसरा. पराठे बन चुके हैं हमारे, और इसके अलावा ये है जूस, और ये है जी हमारा आज का ब्रेकफास्ट. हस्बैंड आज हमारा कॉफ़ी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया है. ये देखिए, इतना यहाँ तक हॉट हो चुकी थी, उसके बाद इसको मैंने बंद कर दिया है क्योंकि हम लोग बाहर से कॉफ़ी पियेंगे. सो इट्स 11:10. तो अभी मैं स्टडी करने लगी हूँ, ब्रेकफास्ट कर लिया, बहुत लेट हो गए थे हम लोग, बट एनीवेज अभी मैं स्टडी करती हूँ फॉर 1 hour और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं. मौसम आज कुछ इस तरह से है, अभी बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन इट्स कोल्ड, इट्स कोल्ड. तो इट्स ऑलमोस्ट 1 एंड आई एम डन. आज के लिए बस इतना ही, अब मैं चेंज करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ और उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि कहाँ जाना है. तो इट्स ऑलमोस्ट 3, मैं रेडी हो चुकी हूँ और जैन अभी रेडी हो रहे हैं और हम लोग जाने लगे हैं बाहर. बाहर जाते हैं कहीं, कोई कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और इंजॉय करने लगे हैं हम लोग. पता है हम लोग सुबह से कहीं नहीं जा सके, वो इस वजह से, एक तो मैं स्टडी कर रही थी और दूसरा ये कि
यहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन अब बारिश ख़त्म हो गई है, थैंक गॉड। जैन बाहर जो है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। आज हस्बैंड आपने देर कर दी आज। जैन जो हैं वो अभी भी स्टिल बिजी हैं। हम दोनों के एक जैसे शूज। तो ये बहुत प्यारी सी प्लेस है, अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं हमारा स्टारबक्स किधर है, और यहाँ पर कोई लगता है किसी को प्रपोज करने लगा है, दैट्स व्हाई दे आर डेकोरेटिंग एवरीथिंग, सो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर सब लोगों ने मास्क जो हैं वो लगाए हुए हैं, कोई भी विदाउट मास्क नज़र नहीं आएगा। अगर यहाँ पर कोई विदाउट मास्क घूमता है उसको ये लोग निकाल देते हैं सनली तुम से। तो स्टारबक्स हम लोग आ गए हैं, हमें इतना प्यारा क्यूट सा स्टारबक्स। वैसे तो पहले भी मैं यहाँ पर आई हुई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, बट फाइनली वी आर हियर। और ये हमारा एक सेपरेट सा कॉर्नर है, तो यहाँ पर बैठ के जो है ना हम अपनी कॉफ़ी इंजॉय करेंगे फाइनली आफ्टर 6 days। तो इन्होंने बोला है कि स्टारबक्स जो है वो 5:30 पर, आई डोंट नो व्हाई, ये वाली ब्रांच जो इसको बंद कर देंगे, तो हमें कोई प्लेट्स नहीं दिए इन्होंने क्योंकि 1 hour रहता है। तो हम लोग ऐसे ही अपना मफिन जो है मैं खा रही हूँ, आई वॉज क्रेविंग फॉर दिस। और इट्स बीन 20 days, राइट? ऑलमोस्ट 20 days हो गए कि मैंने मफिन नहीं खाया, आई मिस्ड यू अ लॉट। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मसाज के लिए, आई एम सो फ्रीकिंग टायर्ड, और हम लोग जा रहे हैं मसाज के लिए, एंड दैट इज़ वाओ प्योर ब्रिटिश एरोमा थेरेपी। आई वॉज थिंकिंग कि कभी हम लोग एरोमा थेरेपी के लिए भी जाएंगे, सो फैसिनेटिंग, राइट? तो जी हम आ चुके हैं यहाँ पर मसाज के लिए, इट्स कॉल्ड जी स्किन। जैन भी मेरे साथ आए हैं, बट यहाँ पर यू कैन हैव योर स्किन ट्रीटमेंट्स और मसाज भी, सो यस शी इज़ माई असिस्टेंट। हाँ हाँ, सो जैन जो है वो यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर होगा हमारा मसाज, दैट्स मी, आई एम गोइंग टू चेंज। So I am done with the massage और I'm feeling so relaxed, इतना fresh feel कर रही हूँ ना। अभी हम लोग elevator में अभी बाहर जाते हैं, हम खाना खाते हैं, so let's go। हम लोग आए हैं यहाँ पर new shawarma try करने, and that is this shawarma and it's halal Thai food, halal and healthy, so excited। हमारा शॉर्मा एंड दैट्स आवर पिज्जा, सच अ स्पेक्टेक्युलर व्यू। ये देखिए जी, घर वापस जा रहे हैं अब हम लोग। सो राइट नाउ आई एम इन द हॉस्पिटल, इतना ज़्यादा सवेयर मुझे हेडेक हो रहा है कि आई कैंट टेल यू गाइस। तो इस टाइम में इस 12:30, वैसे तो हम लोग 10 बजे वापस आ गए थे, बट देन आई वॉज हैविंग सम हेडेक और अभी मैं सोने लगी हूँ। तो आई होप कि आपका छोटा सा ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, उसके बाद मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, इनमें से मैं किसी डे की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ, जिस जो कि मेरी सारे डेज़ की मतलब पूरे 6 days की रूटीन एक जैसी होती है। बस संडे को हम लोग थोड़ा सा फ़न करते हैं, जैसे आज हम लोग बाहर गए थे। तो या आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह मेरे यूएस फैमिली स्टेप 1 step 2 सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएँ, और मैं भी आपके लिए बहुत सारी दुआ करूँगी। फिर मिलती हूँ आपसे अपने स्टडी वाले ब्लॉग में, स्टडी वेल, बाय, गुड लक एंड ऑफ कोर्स स्टे पॉजिटिव।